Sri Lanka World 2020 goes to none other than contestant number 20. श्रीलंका में एक सौंदर्य प्रतियोगिता के दौरान मंच पर ही हंगामा मच गया और विजेता को सिर पर चोट लग गई। मिसेस श्रीलंका नाम की इस प्रतियोगिता में पुष्पिका डी सिल्वा विजेता चुनी गई। रविवार को हुए इस समारोह को श्रीलंका के सरकारी टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा था, मगर मंच पर मौजूद पिछली विजेता कैरोलाइन जूरी ने ये कहते हुए उनका ताज छीन लिया कि उन्हें ये खिताब नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तलाकशुदा हैं। इस घटना का वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। कैरोलाइन ने दर्शकों से कहा कि प्रतियोगिता का एक नियम है जो उन महिलाओं को रोकता है जो तलाकशुदा हैं। इसलिए मैं ये ताज दूसरे नंबर की प्रतियोगी को दे रही हूँ। ये कहते हुए उन्होंने डी सिल्वा के सिर से ताज उतारा और पास में खड़ी दूसरे नंबर की प्रतियोगी को पहना दिया। इस घटना के बाद डी सिल्वा रोते हुए मंच से चली गई। उन्होंने आयोजकों को बाद में बताया कि वो तलाकशुदा नहीं है बल्कि पति से अलग रह रही हैं। इस घटना के दो दिन बाद आयोजकों ने उन्हें ये खिताब वापस कर दिया और माफी मांगी। पुष्पिका डी सिल्वा ने एक फेसबुक पोस्ट में ये भी बताया कि इस घटना के बाद सिर की चोटों के इलाज के लिए अस्पताल गई थी। उन्होंने साथ ही लिखा कि वो अपने साथ हुए अनुचित और अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएंगी। डी सिल्वा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्हें मिले ताज को सिंगल मदर्स यानी ऐसी महिलाओं को समर्पित किया जो बिना पति के अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका में मेरी जैसी बहुत सारी सिंगल माएँ हैं जो पीड़ित हैं। ये जीत उन महिलाओं उन सिंगल माओं को समर्पित है जो अपने बच्चों को अकेले पालने के बदले ये सब झेल रही हैं। मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड के राष्ट्रीय निदेशक चंडीमल जयसिंघे ने बीबीसी को बताया कि मंगलवार को श्रीमती डी सिल्वा को ताज लौटा दिया गया। उन्होंने कहा कि कैरोलाइन जूरी ने मंच पर जो व्यवहार किया वो अपमानजनक था और हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कैरोलाइन जूरी से पूछताछ भी की है। मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड श्रीलंका की एक प्रमुख प्रतियोगिता है। इस साल प्रतियोगिता के समारोह में आए अतिथियों में श्रीलंका के प्रधानमंत्री की पत्नी भी शामिल थी। හරිම කනගාටුයි කියන්න මම හරිම disappointed එක ගැන මොකද කවදාකවත් කාන්තාවක් කාන්තාවකගේ අනාගතය වෙනුවෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ කෙනාගේ ඉදිරියට යන ගමන නවත්තන්න හදනවා නම් කවුරු හරි කෙනෙක්ට රිද්දලා ඒ රිද්දන දෙයින් කවුරු හරි කෙනෙක් සතුටක් ලබනවා නම් මම හිතන්නේ එයා ඒක ලබන ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි ඒක පරාජයක් මේ දෙයින් කවුරු හරි කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වුණා නම් මා වටන්න මගේ ඉදිරි අනාගත ගමන වළක්වන්න මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් කියලා මම යකඩ ගෑණියේ මේ ක්‍රවුන් එක අරගන්න මට ලොකුම බලාපොරොත්තු වුනේ මම වගේ දරුවෙක් එක්ක තනි වුණ සිංගල් මාම් ඒ වගේ ගෑනු අද ලංකාවේ පොඩක් දුක් විඳිනවා ඒගොල්ලන්ට මේ කෙරුණ මගේ නෙමෙයි ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ මම හිතන්නේ මේ කෙරුලෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතය එළිය කරන්න පුළුවන් නම්